गोंडा से 30 किलोमीटर दूर कटरा बाज़ार ब्लॉक के पूरे बदल गांव में मौजूद हूँ। यहाँ मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ आधुनिक युग के एक तुलसी ऋषि राम तिवारी जी से। पिछले 57 साल से लेखन कर रहे ऋषि राम तिवारी जी इसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर अपने लेखन को नया आयाम दे रहे हैं। इन्हें आधुनिक युग का तुलसी भी कहा जा सकता है। श्री राम कथा में उन्होंने महाकवि राम तुलसी महाकवि तुलसीदास और जय हनुमान के चरित्र को समेटते हुए कई पुस्तकों की रचना की है। ऐसे विरले शख्सियत के मालिक आज भी स्वभाव से सीधे और सरल हैं। सफ़ेद दाढ़ी और कुर्ता लुंगी इनकी पहचान है। शुरू से रही वो आज भी ज्यों की त्यों कायम रहे। इस बेसिस पर जब रहीम ने तुलसीदास से जिक्र किया कि बादशाह आपको ज़मींदारी देना चाहते हैं, आप कोई भी तालुका भारत में ले लें, तो गोस्वामी जी ने कहा कि रहीम साहब कहते हैं, है बादशाह भी फिक्रमंद, वाजिब समझे आगरा रहे, कीमती अमानत मुल्क के हो, काशी करवट कर दुख न सहें, खिदमत हो हिंद फरिश्ते की, नौ रत्नों की भी इच्छा है, तुलसी बोले आभारी हूँ, किंतु अति करी परीक्षा है, जब भूत विभूत कजा मितवा, तब कहीं रहूँ क्या होना है, द्वय होकर भी जब अद्वय हूँ, तब क्या पाना क्या खोना है, धन हो बोले रहीम, समरस हो चाहे जो झेलो, लेकिन ये शाही ख्वाहिश है, जागीर बड़ी कोई ले लो, सुनते ही कविता फूट पड़ी, मानो सविता से कढ़ी किरण, अक्षर अक्षर गत त्याग लोभ, सुन सूबेदारी हुई हिरन, मैं चाकर रघुवीर को पटो लिखो दरबार, और तुलसी अब क्या होएंगे नरको मनसबदार। सब साहित्य के परिप्रेक्ष्य में महात्मा कबीर से जब जौनपुर के सूबेदार ने भी उनकी मुरादत हासिल करने की बात कहा कि आप भी कोई तालुका हिंदुस्तान में मुझसे ले लें, तो कबीर साहब ने कहा कि अल्लाह ताला के रहमो करम, करता शायरी बिहरता हूँ, दो जून की रोटी काफ़ी है, मैं काशी करवट करता हूँ।